यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार की बात है, फैजाबाद जिले के गौराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो रिक्शा लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठा कर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, जोर जोर से बारिश हो रही थी और तेज आवाज में बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर को जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे याद आया कि एक घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि एक फुट की भी दूरी दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली तेज आवाज में चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो जैसे शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपये लूंगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो फिर ले चलूंगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही है, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा एक घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी ने अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजा खोला और बोला, आप कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मैम साहब नहीं रहती हैं। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मैम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, जी यही मैम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।